हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, यहाँ पर काफ़ी टाइम से फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, तो अब हम अंतिम समय आ गया है। तो अंतिम समय में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जिनसे 101% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, तो हिंदी का पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं और कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में के बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हमारा टारगेट होगा कि 80 प्रश्न जो आने हैं, इसमें से 80 में 80 आप करके आओ, ठीक है। तो चलिए, सेशन को 80 में 80 तभी कर पाएंगे जब आप मेहनत कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वो 8 बजे से रहती हैं। 8 बजे से आपकी हिंदी की क्लास होती है शाम को, और 9 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होती है शाम को, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपकी 10 बजे से GKGS की क्लास होती है। GKGS की क्लास आपकी 10 बजे होती है। टाइम से आप लोग ज्वाइन कर लिया करें, इसमें आप अपने क्वेश्चन मिस ना किया करें। मैक्सिमम क्वेश्चन लिए जाते हैं, प्रैक्टिस भरपूर कराई जाती है, जिससे कि आप पूरा दिन अगर आप नहीं भी पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस के टच में हैं, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर ले जाओगे। तो चलिए, सीजन को शुरू कर लेते हैं। जय हिंद सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। आज हम इम्पोर्ट देखिए, ये जो है, इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट वाले, जो आने की संभावना है, कैसा प्रश्न बनते हैं, ये आपको यहाँ से, इस वीडियो से आपको पूरा जानने को मिल जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सारी समस्याएं बनी हुई हैं, तो एग्ज़ाम को लेकर के आप टेंशन मत लो, परीक्षा दिसंबर में होना संभावित है, तो बिल्कुल आप तैयारी अपनी करते रहो, जी जान से लगे रहो, वर्दी आपकी। चलिए, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करें, कमेंट में रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कह रहा काकल्य वर्ण कौन सा है। अब देखिए, काकल्य वर्ण की बात आती है, काकल्य वर्ण हो या फिर जैसे वैसे, काकल्य वर्ण जो आपका होता है वो होता है हा, क्या होता है काकल्य वर्ण, क्या होता है हा, ठीक है। और या की अगर बात कर लें, तो या आपका अंतस्थ होता है, सा आपका ये उष्मव्यंजन होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी व्यंजन पता होने चाहिए। तो प्रैक्टिस वाली क्लास में जुड़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा, और नॉलेज काफ़ी कुछ नहीं, बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, भर भर के नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि काकल्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि या का उच्चारण स्थान क्या है, या का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए, या का उच्चारण स्थान क्या है। तो या का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। या का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। और चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है, या आपसे ये पूछ लेगा कि आप ये बताइए निम्न में से वर्तस्य वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, आप चलिए आंसर बताइए, बिल्कुल देखिए, लुंठित आपको यहाँ पर मिल रहा है, रा वर्ण जो है ये लुंठित होता है, वर्तस्य होता है, सघोष होता है, अल्पप्राण व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सघोष की अगर बात करेंगे, तो सघोष आपका तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ण में। अल्पप्राण की बात करेंगे, तो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा, इसमें आपसे कह रहा है कि बताइए अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण टोटल कितने होते हैं, ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कह सकता है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अंतस्थ 4 हो गए और ऊष्म 4 हो गए, टोटल मिलाकर के आप कितने वर्ण हो गए, 8। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद का मतलब हो गया कि स्वर और व्यंजन को बिल्कुल अलग करके लिख देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर द्रग दिया गया है, और द्रग का वर्ण विच्छेद अगर आप करोगे तो क्या बन जाएगा, 17 पे राइट आंसर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर द्रग यानी द है, री से ऋषि, गा और छोटा की मात्रा, ऑप्शन नंबर पहला वाला कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 23वां नंबर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से बात कर रहा है, ना कि नाक की बात कर रहा है, केवल मुख की जब बात करें कि केवल मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, जिसमें दिया गया है निरनुनाशिक स्वर, निरनुनाशिक स्वर, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा,
अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? स्वर की बात कर रहा है, व्यंजन की बात नहीं कर रहा है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। हालांकि व्यंजन तो दिया नहीं गया ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिए। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अय। क्या कर लेंगे? अय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अर्ध विवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में दिए हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजनों की अगर बात कर लें तो का वर्ग से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग वर्ग तक जितने भी अक्षर वर्ण होते हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, टोटल मिलाकर के 25। ठीक है, दो आपके ड़ा और ढाओ होते हैं, वो आप टोटल करेंगे, अगर कुल निकालेंगे यहाँ पर तो 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन अगर 25 ऑप्शन दिया तो 25 ही करेंगे। ठीक है, अगर 27 दिया तो फिर 27 कर लेंगे कुल अगर पूछेगा। 27 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चा और का पादा ये सब इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए, इसमें आपसे पूछ रहा 26 नंबर क्वेश्चन में कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। महाप्राण वर्णों की जब बात कर ले तो प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण वर्ण होता है। अब आपको स्थिति पता होनी चाहिए कि जैसे का है पहले नंबर पे आता है, खा दूसरे नंबर पे आता है ना, छा कौन से नंबर पे आता है, चा के बाद छा आता है तो ये भी दूसरे नंबर पे हो गया, टा के बाद ठा आता है ये भी दूसरे नंबर पे हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही निकल के आ रहा है 26 नंबर में। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला वाला तो सही है निकल के आ रहा है क्योंकि खा भी दूसरे नंबर पे है, छा भी दूसरे नंबर पे और ठा भी दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये आंसर आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ऑप्शन नंबर इसका बताएंगे 27 नंबर पे। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, बहुत ध्यान से आंसर देंगे, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर लेंगे युग्मक ध्वनियाँ। इन्हें क्या कहते हैं भाई? एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वहां पर क्या होता है? युग्मक ध्वनि होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, वा वा व्यंजन है, वा व्यंजन है, बताइए वा व्यंजन है, वा व्यंजन है आपका। देखिए ऊष व्यंजन तो है नहीं क्योंकि ये आपका सलजम वाला सा, षटकोण वाला, साइकिल वाला और हा होता है, महाप्राण है नहीं ये, राइट। अब यहाँ पर आइए, सघोष भी नहीं है, अघोष नहीं है सॉरी, तो आपका अंतस्थ हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या रा लावा, ठीक है, जिसमें से वा भी शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण। देखो क्या क्या पूछ लिया है, स्पर्श ध्वनि तो सभी हैं, कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि होती है का वर्ग वाली, तो का वर्ग वाले अक्षर को ही केवल ध्यान देंगे, सभी का वर्ग के ही हैं, ओके। अघोष की बात करेंगे तो अघोष पहला और दूसरा अक्षर, सॉरी पहला तीसरा, क्या बोलना है, पहला दूसरा अक्षर होता है, ठीक है। महाप्राण की बात करेंगे तो दूसरा चौथा अक्षर। अब यहाँ पर देख लीजिए कि दूसरा यानी खा, दूसरा और दूसरा इधर कॉमन आपको मिल रहा है, तो खा हो जाएगा, जो कि स्पर्श व्यंजन भी है, कंठध्वनि भी है, सघोष भी, सॉरी अघोष भी है और आपका महाप्राण भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, दंत्योष्ट ध्वनि निम्न में से क्या है? यानी दांत और ओष्ठ की मदद से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ट। चलिए 34 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, वाह ये दंत्योष्ट है, ठीक है। और या का भी आपने क्या पढ़ा था, कहाँ से उच्चारण होता है इसका? तालू से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये बताइए, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज जाते हैं। देखिए ट्रिपल एक्स दिया गया है, रेखांकित चिन्हित, ये जो दिया गया है ये क्या है, ये कैसा है चिन्ह, ये कैसा चिन्ह है? लोप सूचक चिन्ह है, समाप्ति सूचक है, स्थान सूचक है या फिर टीका का सूचक है? चलो बताओ भाई, 151 नंबर क्वेश्चन है, रिप्लाई करिए फटाफट से, रिप्लाई करिए जल्दी से, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। आपके लिए मेहनत करी जाती है, क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपको आप तक पहुंचाए जाते हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, वहां से जुड़ करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आपको डेली क्विज भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो भाई सेशन को लाइक अगर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हमें मोटिवेशन मिल पाता है, आपका प्यार और सपोर्ट मिल पाता है। 151 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहां पे क्या हो जाएगा भाई? देखिए जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करना है, लोप सूचक,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। अगर द्विरुक्ति है संज्ञा के बीच में तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, तो वहां पर योजक चिन्ह होता है। कैसा योजक चिन्ह? इस तरीके से योजक चिन्ह बनता है, ऐसा योजक चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो भाई सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग मिलेंगे 8 बजे शाम। ध्यान रखिए 8 बजे आपका क्लास होता है हिंदी का, 9 बजे रीजनिंग। ये सारी इस समय स्पीड क्लासेस चल रही है, रिवीजन फुल रिवीजन चल रहा है। ये क्लासे अगर ज्वाइन कर ली अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, जय हिंद।